आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमारे पीछे आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट और कोई नहीं, ये राजघाट का पावर प्लांट है जिसको बंद हुए आज कई साल हो गए हैं। वर्ष 2015 में 4 अप्रैल को ये बंद हो गया था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये बताई गई थी क्योंकि यहाँ पर जो है ज़रूरत से ज़्यादा, हालांकि जितना बिजली के उत्पादन में प्रदूषण फैलता है उससे अधिक इसकी वजह बताई गई थी। लेकिन सारे प्लांटों में अगर बात की जाए तो देश का सबसे पुराना प्लांट में से एक इसको यही माना जाता है। आज जिस तरीके से दिल्ली बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है, जगह जगह इलाकों में पानी भर गए हैं, तो राजघाट से लाल किला की ओर जाता हुआ ये ओवर ब्रिज है जिस पर हम लोग मौजूद हैं, तो जब पानी की धाराएं यहां तक लोग पहुंचने लगी, नीचे पहुंचने लगी, तब हर किसी की नज़र एक बार फिर उस जगह पर, उस इतिहास पर दौड़ गई और उसको जानने के लिए दौड़ गई कि आखिर जो ये पावर प्लांट है, राजघाट का पावर प्लांट है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, इसको क्यों बंद किया गया है। दरअसल दिल्ली के राजघाट पावर प्लांट 4 अप्रैल से बंद हो गया था। सूत्र तो ये बताते हैं कि यह प्लांट तय स्टैंडर्ड से अधिक प्रदूषण फैला रहा था, मगर ट्रास्को इसकी सबसे बड़ी वजह बिजली मांग को कम होना बताई जा रही थी। अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 1889 से बिजली का उत्पादन करने की हुई थी, जिस समय ये 67.2 से 67.2 मेगावाट की 2 यूनिट को देता था। इस वजह से इसने प्रदूषण को काफ़ी अधिक हटा दिया था। हालाँकि बात की जाए तो प्रदूषण जिस तरीके से आज के समय, वर्तमान के समय, हर जगह हर दिशाओं में जिस तरीके से फैला हुआ है, लेकिन इस प्लांट को उस दौरान बंद किया गया था जब दिल्ली पर भारी संकट सा महसूस होने लगा था। प्रदूषण की एक वो सतह, एक परत जमती जा रही थी जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हानिकारक हो रही थी, और इसी वजह से उम्रदराज लोगों को प्रदूषण अधिक फैलने की वजह से इस प्लांट को बंद कर दिया गया था। कई बार इस प्लांट के स्थायी रूप से बंद करने के बारे में तमाम चर्चा चली, लेकिन उसके बाद भी ये खुला रहा। लेकिन दिल्ली जब भी पावर कट होते थे तो इसकी सबसे ज़रूरत पड़ जाती थी, क्योंकि समस्या देखिए तब वहाँ पर उत्पन्न हो जाती थी जब दिल्ली में बिजली नहीं आती थी, क्योंकि ये उत्पादन की जो सबसे बड़ी वजह है ये कोयला उत्पादन से पावर सप्लाई होती थी। अब बिजली उत्पादन के तमाम तरीके के चलन चल गए हैं, हर तरीके से आज हमारे पास बिजली उत्पन्न हो सकती है, फिर वो चाहे गोबर गैस हो या फिर न्यूक्लियर नमक की बात की जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी अगर देखा जाए तो जो है उससे बनती है, सोडियम क्लोराइड से भी जो है आज के समय बिजली का उत्पादन हो सकता है, गोबर गैस से भी होता है, अगर बताया जाए तो संतरों के छिलकों से भी बिजली का उत्पादन हो सकता है, आलू से उत्पादन हो सकता है। तो बिजली के उत्पादन के एनर्जी की जो बिजली का एक रोशनी है वो कहीं से भी अलग जग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर राजघाट के पावर प्लांट की जाए तो ये बहुत पुराना है, और जब कभी कभी दिल्ली वासियों को सबसे ज़्यादा मुसीबत पड़ती थी, मुसीबत क्या कि जब दिल्ली में बिजली कट जाती थी, पावर कट हो जाता था, तो उस दौरान जो है यही से उत्पादन हुआ करता था, तो उस समय इसको बंद करने को लेकर के काफ़ी राजनीति भी छिड़ी, लोगों ने मांग करी, मोर्चे हुए, प्रदर्शन हुए कि इसको इस तरीके से बंद नहीं करना चाहिए। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राजघाट का ये पावर प्लांट 2015 से बंद हुआ और लगातार इसको लेकर के इतिहास जो है अपने में ही कायम है। लेकिन आज जब फिर से लाल किला की ओर पानी का रुख हुआ, यमुना का जल स्तर सड़कों पर उतर आया, तो एक बार फिर राजघाट के पावर प्लांट पर लोगों की नज़र जाने लगी, तो यूँ हमने सोचा कि आपको एक बार फिर से इसके इतिहास से रूबरू कराया जाए और जाना जाए कि आखिर दिल्ली का सबसे पुराना राजघाट का पावर प्लांट क्यों बंद हुआ, इसके पीछे की असल वजह क्या थी और इसको बंद ना करने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर, कैमरा पर्सन रोहित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।